हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट बजट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में सारे के सारे जितने आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है डिस्कस कर लूंगा। और इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमने एक ऐसा टॉपिक और ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं जो इस बार की सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उनको एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार के पेपर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1, 2 और 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इन तीनों पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आपको जितना भी बजट के ये क्वेश्चंस हैं इजी लगें और आप इनको आसानी से कर सको। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर। हर साल गवर्नमेंट बजट किस दिन को प्रेजेंट किया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 2 फरवरी एंड ऑप्शन डी 27 फरवरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी। हर साल 1 फरवरी को ही हमारा जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के बारे में क्या सच नहीं है? ए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन अ ईयर, बी एस्टिमेटेड रिसीट्स इन अ ईयर, सी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन अ ईयर एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट होता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ अ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ये एस्टिमेशन पे बेस्ड होता है और एक्चुअल बिल्कुल नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें नॉट ट्रू पूछा है, तो जो चीज हमारी गलत होगी वो हमने इसमें क्या कर देनी है? अपनी बता देनी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट नंबर 1 इज बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द लोकसभा। लोकसभा इज लोअर हाउस, तो बिल्कुल सही बात है। बजट जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। कौन से हाउस में? लोकसभा में, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। और सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी बात बिल्कुल सही है। दैट मीन हमारी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इंप्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। तो क्या होता है सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी? तो इसका आंसर क्या है? बी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही होता है सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इसी से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया। डैश मीन्स एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। तो लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस कि जब एब्सेंस है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर हमारी इकोनॉमी स्टेबल है तो ना तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और ना ही प्राइसेस बहुत कम होंगे। तो ये सारी की चीजें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बेस्ड होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय मार्केट मैकेनिज्म। दीज आर कॉल्ड डैश गुड्स। सो ऑप्शन ए पब्लिक गुड्स, बी नॉर्मल गुड्स, सी गिफन गुड्स और डी प्राइवेट गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड वो होते हैं बेसिकली जो कि मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं प्रोवाइड किए जाते, इनको सीधा सीधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है क्योंकि ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए पब्लिक गुड्स अवेलेबल होंगे, ये सभी के लिए यूनिवर्सल होते हैं। पब्लिक गुड्स सभी लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। देखिए आपको इस तरह से एक टेबल बना के दिया जा सकता है। ये जो टेबल है ना, ये आपका है 2021 के बजट का। ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से ही, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट है जहाँ पे बजट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, वहां से ये सारा का सारा डाटा उठाया हुआ है, जिसमें हमें एक्चुअल जो भी हमारे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स हुए थे 2019-20 के, उसके बाद 2020-21 में जो बजट एस्टिमेट्स हुए थे, और उसके बाद 2020-21 की जो रिवाइज एस्टिमेट्स हुए थे, जो रिवाइज एस्टिमेट्स थे वो हुए होंगे 1 फरवरी 2021 को, और 1 फरवरी 2021 को ही बजट के फिर से एस्टिमेट किए गए 2020-21-22 ईयर के लिए, 20 ये जो हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके रिगार्डिंग। अब इसमें मैंने देखो क्या क्या प्रोवाइड किया है। कॉम्पोनेंट्स लिख दिया, कॉम्पोनेंट्स में रेवेन्यू रिसीट्स, इसमें टैक्स नॉन टैक्स रिसीट लिख दिया, फिर कैपिटल रिसीट्स, इसमें रिकवरी ऑफ लोन, डिस इन्वेस्टमेंट, बोरिंग लिख दिया, फिर उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और देन उसका टोटल कर दिया। दैट मीन्स सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स इसमें इंक्लूड कर दिए। अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है? आपसे इसी टेबल के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अब अगला क्वेश्चन इसी टेबल से रिगार्डिंग है, जैसे देखिए द वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स डैश क्रोर्स बिटवीन 2019 एक्चुअल 1920 एक्चुअल एंड 2020-21 बजट एस्टिमेट्स। तो हमने देखना है रिकवरी ऑफ लोन। अब मैंने क्या किया, जो पिछली स्लाइड में से रिकवरी ऑफ लोन वाला पोर्शन है वो उठा लिया, ये वाला, और अब हमने डिफरेंस देखना है कि 2019 और 2020-21 की जो बजट एस्टिमेट है उसके बारे में बात की, मतलब ये वाला और ये वाला। अब 2019-20 में जो रिकवरी था लोन का वो था 18,316, ये करोड़ में है वैल्यू, सारी जितनी भी वैल्यूज दी हुई आपको किसमें है, करोड़ में है। तो 2020-21 में ये जो था वो कितना था, 14,967। अब अगर देखें ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, डेफिनेट सी बात है, मैं क्लियरली दिख रहा है ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। 2019-20 से 2020-21 का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। कितना फॉल हो रहा है, ये फॉल हो रहा है 3,349 करोड़ रुपए से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व भी करके देख लेते हैं, 16 यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, एंड देन फर्दर यहाँ पे 3 आ गया और फिर 3 आ गया, सो 3349 हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप सर्कल कर लेना। सर्कल करने के बाद आपके लिए जो वैल्यूज है वो फाइंड करनी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। द परसेंटेज चेंज इन द नॉन टैक्स रेवेन्यू बिटवीन 2019-20 एक्चुअल एंड 2020-21 बजटेड एस्टिमेट टेकिंग 2019-20 एज बेस वुड बी। अब हमने इसमें क्या करना है, देखिए फिर से इस डेटा और इस डेटा के बारे में कंपैरिजन करने को कहा और साथ में बेस भी कह दिया। बेस किसको बनाना है, ये 2019-20 वाले डेटा को बनाना है। हमने क्या करना है, पहले देखना है डिफरेंस कितना है। तो अगर डिफरेंस देखेंगे 385017 माइनस कर देंगे इससे 327157, माइनस करने के बाद देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है हमारे पास। जो भी वैल्यू आएगा, जितना भी वैल्यू आया, सब एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू आया, उसको हमने डिवाइड कर देना इस वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, और जब हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.68। तो सिंपल सी बात, करना क्या है, पहले ये इस वाली वैल्यू से इस वाले वैल्यू को माइनस कर दिया, ये वाले वैल्यू से उठा के ये वाली वैल्यू माइनस की। माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आया, ओके जो भी वैल्यू आया वट एवर इट इज, तो उसको हमने डिवाइड कर देना है इसको बेस लेके, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा होगा कि आपने बेस किसको लेना है, 2019-20 को बेस लेना है। जब आप 2019-20 को बेस लोगे, मतलब उसको डिनोमिनेटर पे लोगे और मल्टीप्लाई पे 100 करोगे, तो आपको परसेंटेज आ जाएगा 17.68%। दिस विल बी योर आंसर। इस तरह का आपको डेटा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से ध्यान से करना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब रिलेटेड तो इसी का ही है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अब इन चार ऑप्शंस में से कौन सा टैक्स रेवेन्यू नहीं है, वेल्थ टैक्स बिल्कुल टैक्स रेवेन्यू है, स्पेशल असेसमेंट नहीं, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज स्पेशल असेसमेंट जो है वो नॉन टैक्स है, ये एक नॉन टैक्स रिसीट है। अब ये स्पेशल असेसमेंट क्या होता है कि मान लो सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और प्रॉपर्टी लेने के बाद गवर्नमेंट ने उस एरिया में कुछ डेवलपमेंट वर्क किया, जैसे वहां की अच्छी रोड बना दिया, वहां पे सीवरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, वहां पे लाइटिंग कर दी है, तो ऑब्वियसली बात है ना उस एरिया का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसा चार्ज करेगी जिसको कहेंगे स्पेशल असेसमेंट। ये टैक्स में इंक्लूड नहीं होता, और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स ये भी टैक्स का पार्ट होते हैं, ये अकेला स्पेशल असेसमेंट है जो कौन सा पार्ट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। सिंपल सिंपल मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर हो जाता है, बोरिंग्स के बराबर हो जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने दो पार्ट्स कवर कर दिए कि फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला तो हो गया ये वाला, और फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर होता है, बोरिंग के बराबर। एग्जांपल करके देखें तो मान लो सरकार का खर्चा हुआ 150 रुपया, सरकार की इनकम है 120 रुपए, तो कितने का हमें डेफिसिट हो रहा है, 30 का हो रहा है, 30 रुपए गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी, तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, बोरिंग्स के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स दैट क्रिएट लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट एंड रिड्यूसेस एसेट। ये गलत है, रेवेन्यू रिसीट कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती और ना ही कोई एसेट रिड्यूस करती है, इनको कोई लेना देना नहीं होता, ये एसेट और लायबिलिटी स्टेटस पे 1% भी इफेक्ट नहीं डालती।
सेकंड देखते हैं, कैपिटल रिसीट्स नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट, ये भी गलत है, इनको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया इनको। ओके, कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स है जो लाइबिलिटी क्रिएट करती है और एसेट को रिड्यूस करती है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अगेन फिर से वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, कंपोनेंट दे दिया, बोरिंग्स दे दिए, इंटरेस्ट दे दिए। ओके, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट फॉर द ईयर 2020-21 वुड बी 2020-21, दैट मीन यू हैव टू कंसीडर दिस बजट एस्टीमेट, आपने इस बजट एस्टीमेट को कंसीडर करना है, फाइन। अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, बोरिंग्स माइनस इंटरेस्ट। मैंने बोरिंग्स क्यों लिया, फॉर्मूला वैसे फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट होता है, हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, बोरिंग्स के बराबर होता है, तो वही से वैल्यू ले ली। तो अगर हमने देखना है कि जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो कितना आ रहा है, तो हमने क्या करना है, जो हमारी बोरिंग है दैट इज 796337 करोड़ में से हमने माइनस कर देना है 708203 करोड़, और माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 88,134 करोड़। तो और आंसर विल बी 88,134 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं, 7 में से 3 जा रहे हैं 1, देन 3 में से 0 गए, ये आ गया हमारे पास 3, 3 में से 2 गए 1, देन 16 में से 8 गए 8, एंड देन यहाँ पे 78 बचा, 88,134 हमारा करोड़ में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय, गवर्नमेंट अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल कर सकती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है जो रिच और पुअर के बीच में गैप है उसको क्या करना है, कम करना, मिनिमाइज करना, उसको मैक्सिमाइज नहीं करना, उसको कम से कम करना। तो क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकॉनमी, नो इससे कुछ नहीं होगा। इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ द इकॉनमी, इससे भी कुछ नहीं होगा। इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरन एक्सचेंज टू फ्रॉम द इकॉनमी, ये पता नहीं कहां से आ गया, नहीं होगा ये भी। डी रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन, ये ठीक है, मतलब क्या है, जो गरीब है उनको उनके ऊपर जो टैक्सेस है वो कम लगाओ, जो अमीर है उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाओ, गरीबों को टैक्स कम देना चाहिए और अमीरों को टैक्स ज्यादा लगाना चाहिए, तो उससे क्या होगा, जो पुअर होंगे उनके पास कुछ पैसा ज्यादा बचा रहेगा, तो जिससे क्या होगा, जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट नंबर वन, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक, बिल्कुल सही बात है, कलेक्टिवली कंज्यूम करते हैं सभी लोग, कंज्यूम करते हैं। सेकेंड इज पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर, ये गलत है, राइवलरी तो कहां से आ गई पब्लिक गुड में, जब सभी के सभी यूज कर रहे हैं तो राइवलरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। 15th क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विद कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड विदाउट एनी चार्ज, दिस वुड बी कैटेगराइज एज, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको पता है कोविड 19 चल रहा है, कोविड 19 पे गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कोवैक्सीन और कोविशील्ड के जो दो दो शॉट्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें भी लगा है, हमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगा है, गवर्नमेंट की तरफ से लगा है। ओके, तो वो कौन से नेचर है, पहली बात तो अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है हमारे ऊपर तो वो एक्सपेंडिचर है, वो इनकम तो हो ही नहीं सकता, उसे इनकम तो ना जनरेट हो रही है। क्या ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाने से सरकार की कोई एसेट या लायबिलिटी हो रही है, इफेक्ट नहीं हो रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है, बिकॉज गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, लोगों का वेलफेयर कर रही है। 16th क्वेश्चन देखते हैं, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली, नाउ सब्सिडीज डू नॉट एड एनी फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द नेशन, बिल्कुल गलत बात है, आप जितनी ज्यादा सब्सिडीज दोगे, जितनी ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दोगे, उतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा हमारे नेशन पे, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज में वायलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप सब्सिडीज खत्म कर दोगे तो हमारा जो ड्रीम है ना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का, रिच और पुअर का गैप खत्म हो, वो क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट, और ऑप्शन नंबर टू जो स्टेटमेंट हमारा वन है वो क्या है, गलत है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, assertion reasoning based question है। Now assertion is the government has allocated extra money in budget 2020-21
टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन टू द पीपल। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब फोकस कर रही है सेफ ड्रिंकिंग वाटर सभी लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, और इसका रीजन दिया है द गवर्नमेंट डज इट बिकॉज सैनिटेशन एंड प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर आर पब्लिक गुड्स। बिल्कुल सही बात है, अजर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, अजर्शन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 18th क्वेश्चन, फिर से अजर्शन रीजनिंग बेस्ड। नाउ द इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लाई ऑन द डिफरेंट पर्संस। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है, एंड रीजन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट एंटरिंग इनटू दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कॉल फॉर सच टैक्सेस। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो दोनों की दोनों सही है, बट जो रीजन है ना वो अजर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहली बात कही हुई है कि दूसरे बंदे पे जो है वो इसका इंपैक्ट और इंसिडेंस पास ऑन किया जा सकता है, एंड इस बारे में किया जा रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट एंटरिंग इनटू दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कॉल फॉर सच टैक्सेस। तो हम वो ट्रांजैक्शन ना करें जो इनडायरेक्ट टैक्स को हमें लेकर इनडायरेक्ट टैक्स हमारे ऊपर लगा रही है, बट अगर रीजन की बात करें तो रीजन एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है अजर्शन को। अजर्शन किसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, रीजन इस डायरेक्शन में जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपने आप में दोनों चीजें क्या है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अजर्शन इज डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल सही है, एंड रीजन इज रेवेन्यू रिसीट्स नाइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स। बिल्कुल सही बात है, तो अजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं अजर्शन को। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डिविडेंड जो है वो रेवेन्यू रिसीट के अंदर आ रहा है, और रेवेन्यू रिसीट के बारे में ही बाद में बात की जा रही है रिगार्डिंग इफ दे आर क्रिएटिंग लाइबिलिटी और नॉट। तो वो कह रहे हैं कि नाइदर लाइबिलिटी इज बीइंग क्रिएटेड और नाइदर एसेट्स रिड्यूस हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 20th क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्सेस हैव लिमिटेड रीच। बिल्कुल सही बात है, अजर्शन ठीक है, क्योंकि देखो डायरेक्ट टैक्स वही पे कर रहा है जो कमा रहा है, जो पर्सन कमा रहा है, बच्चे कमाते थोड़ा ना है, बच्चे थोड़ा ना डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। सेकेंड इज रीजन, डायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट रीच ऑल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। ये भी बात बिल्कुल सही है, डायरेक्ट टैक्सेस सभी सेक्शंस के पास नहीं पहुंच सकता, बिकॉज जो कमाएगा वही पे करेगा ना। तो अजर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये लिमिटेड जो लोग हैं, लिमिटेड सेक्शंस के पर पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रीच भी क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अजर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है अजर्शन को। तो हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, आज 30 के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। पहली बात तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस है जिनका बर्डन किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, और ये डायरेक्टली पे किया जाता है आउट ऑफ द पॉकेट। जिसने जितनी इनकम कमाई उसको उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। हमने इसमें से देखना है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल जो है वो डायरेक्ट टैक्सेज है। तो अगर देखें, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी और गिफ्ट टैक्स। अब इन चारों में से सिर्फ कस्टम ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो है इनडायरेक्ट टैक्स, बाकी तीनों के तीनों कौन से है, डायरेक्ट टैक्स। दैट मीन जहां पे भी हमारा कस्टम ड्यूटी वाला ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 2 एंड 4। वन में आ गया इनकम टैक्स, टू में आ गया कॉर्पोरेशन टैक्स, और फोर में आ गया गिफ्ट टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग था, अब कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग है। अब इसमें से कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल है, कस्टम ड्यूटी बिल्कुल है, एंटरटेनमेंट टैक्स यस ये भी है, और वेल्थ टैक्स ये नहीं है, वेल्थ टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, अगर मान लो फॉरेन से कोई चीज आ रही है तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी लगती है। एंटरटेनमेंट टैक्स जो हम एंटरटेनमेंट वगैरह पे करते हैं, और वेल्थ टैक्स जो हमारी वेल्थ होती है उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। वेल्थ टैक्स अब वैसे नहीं रहा, बिकॉज कैनन ऑफ इकोनॉमी इसको प्रमोट नहीं कर रहा था। वेल्थ टैक्स को कलेक्ट करने का जो खर्चा था, वेल्थ टैक्स से जो इनकम आ रही थी उससे काफी ज्यादा था, इसलिए वेल्थ टैक्स कलेक्ट करने का कोई कारण नहीं बचा था। अब अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और एंटरटेनमेंट टैक्स, ये तीनों के तीनों इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3।
ब्लैंक रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट लीगल हायर। तो कोई पर्सन है, मान लो सपोज मिस्टर ए, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए का कोई लीगल हायर नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, और मिस्टर ए की सडनली डेथ हो जाती है, तो जो भी मिस्टर ए की प्रॉपर्टी होगी वो कौन ले जाएगा, वो ले जाएगी गवर्नमेंट या कोर्ट ले जाएगा, ऑब्वियसली बात है बाद में गवर्नमेंट को मिल जाएगी, और उस चीज को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एस्टेट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना कि स्पेशल असेसमेंट, ना ही ग्रांट, ना ही डोनेशन, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट के क्या इम्प्लीकेशन है, क्राउडिंग आउट बिल्कुल सही है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल ये भी बात सही है, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी ये भी बात सही है, चारों के चारों ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्राउडिंग आउट का मतलब है, अगर मान लो सपोज फिजिकल डेफिसिट है तो बोरो करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा, अगर वो बोरो करेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्राउडिंग आउट। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब बोरो करने से मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगा, और तीसरा जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, बजटरी डेफिसिट है, वो काफी ज्यादा है, हमारी जो रेटिंग आएगी, रेटिंग बहुत ज्यादा डाउन आएगी, अगर जितनी ज्यादा रेटिंग कम आएगी फॉरेन इन्वेस्टर्स उतना ही कहेंगे हम इंडिया में जाके करेंगे क्या, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बुरे हाल है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ। 25th क्वेश्चन देखते हैं, डेफिसिट बजट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज। अब देखो डेफिसिट कब होगा, डेफिसिट तभी होगा ना जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू रेवेन्यू, तो रिसीप्ट से ज्यादा जब एक्सपेंडिचर हो रहे हैं दैट मीन मोर देन इट्स बजट रिसीट्स, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जितना ज्यादा खर्चा उतना ज्यादा डेफिसिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरप्लस बजट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज। अब इस केस में क्या होगा, रेवेन्यू क्या होंगे ज्यादा होंगे, एक्सपेंडिचर क्या होंगे कम होंगे, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लेस देन इट्स बजट रिसीट्स। सरप्लस मतलब सरकार खर्चा कम कर रही है, सरकार के पास जो रेवेन्यूज है वो ज्यादा पड़े हुए हैं, उसको क्या कहेंगे, सरप्लस बजट। 27th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसीट। इनमें से कौन सी नॉन टैक्स रिसीट नहीं है, फाइन है, फीस भी है, गिफ्ट टैक्स नहीं, ये नहीं, गिफ्ट टैक्स जो है वो टैक्स का पार्ट है, वो नॉन टैक्स रिसीट नहीं है, वो टैक्स रिसीट है, और ग्रांट और डोनेशन भी कौन सी है, नॉन टैक्स रिसीट के अंदर आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज नॉट अ नॉन टैक्स रिसीट के बारे में बात की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली, हायर रेवेन्यू डेफिसिट्स ऑल्सो लीड टू हायर फिजिकल डेफिसिट। ये बात गलत है, जरूरी नहीं है कि जितना ज्यादा हायर रेवेन्यू डेफिसिट होगा उतना ही हायर फिजिकल डेफिसिट होगा, बिकॉज रेवेन्यू डेफिसिट में कैपिटल वाला पोर्शन तो होता ही नहीं, फिजिकल डेफिसिट में कैपिटल वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड होता है, तो हम अकेला रेवेन्यू डेफिसिट के बेसिस पे नहीं कह सकते कि जितना हायर रेवेन्यू डेफिसिट होगा उतना ही हायर फिजिकल डेफिसिट होगा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ कैपिटल रिसीट ओवर एंड अबव रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला देखूं तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो इसमें तो कैपिटल रिसीट्स के बारे में कहा हुआ है और रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर की तो कोई बात ही नहीं की, दैट मीन दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। 29th क्वेश्चन देखते हैं, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली, फर्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल बजट। डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल बजट का कॉम्पोनेंट है, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स, ये कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है, तो ये सही है। बोरिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉम्पोनेंट ऑफ रेवेन्यू बजट, नो ये गलत है, बोरिंग भी किसका पार्ट है, जो बोरिंग्स है गवर्नमेंट की, जितनी भी बोरिंग्स होती है चाहे वो पब्लिक से हो, चाहे वो आरबीआई से हो, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज से हो, वो भी किसका पार्ट होती है, कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होती है। तो हमारा जो ऑप्शन वन है, मतलब स्टेटमेंट वन है, ये ठीक है, और स्टेटमेंट टू क्या है, गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली, बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू इन्फ्लेशन एज इट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अगर सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट बोरो करेगी तो वो मनी सप्लाई क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और मनी सप्लाई जब इंक्रीज करेगा तो डेफिनेट सी बात है इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगा, बिकॉज सेंट्रल बैंक जो है वो सप्लायर ऑफ मनी है,
सेंट्रल बैंक के पास मनी सप्लाई होती है, मनी मनी के जो सप्लायर्स हैं इनको मनी सप्लाई का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता। ओके, और अगर जो सप्लायर्स ऑफ मनी गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करेंगे तो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, और मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर टू देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों हमारी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आई नो आज का वीडियो काफी लेंथी था, बट इसमें मैंने मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वो कवर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।